नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बराबर का अचार, जो कि मिनटों में बनता है और सालों साल चलता है और हमेशा सब्जी मिलती नहीं है मार्केट में। ये अचार बहुत ही हेल्पफुल है। इसको हम रोटी के साथ और पूरी के साथ और दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। बराबर के अचार में हर चीज बराबर पड़ता है। अगर 100 ग्राम आम है तो 100 ग्राम मिर्चा लेना पड़ेगा, 100 ग्राम अदरक लेना पड़ेगा और 100 ग्राम लहसुन लेना पड़ेगा। इतना सामग्री जो है दोस्तों एकदम बराबर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये मसाला में मेथी होना चाहिए, अजवाइन होना चाहिए, मंगरेल होना चाहिए और सौंफ होना चाहिए। दोस्तों ये मैं भूजूंगी और हल्दी पाउडर है, इसको मैं भूजूंगी, भूज के और तब इसको मिक्सर में पीसूंगी या सिलोट लोड पर पीसूंगी, तब मिलाऊंगी। तो दोस्त ये तेल होगा और नमक भी, ठीक है दोस्तों। जो मिर्चा जो है ना खारा खारा नहीं हो पाएगा तो कम से कम मिर्चा को ना दो टुकी कर दीजिए, नहीं तो आँख में छिटक के पड़ेगा। ये दो टुकी ऐसे, यहाँ हम बराबर के अचार खाए हैं, जो नहीं खाए हैं और जो खाए हैं इस तरह से बना के आप खाइए। गांव में जो होता है ना शादी ब्याह जो होता है किलो वगैरह तो सब्जी तो बनता ही है। ये बराबर का अचार सेम डे लगा करके, मतलब उसी दिन लगा करके आप अभी से लगा करके अभी से ही इसको खाना शुरू कर दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा ये कुछ आ गया। मैं कुछ कितना कूचना है, मतलब कितना मेही करना है, ज़्यादा मेही नहीं करना है। देखिए दोस्तों मैंने पूरा अचार जो लहसुन अदरक आम मिर्चा था सबको मैं कूच के एक साथ मिला दी हूँ और कुछ ऐसा आपको दिखेगा एकदम। मैं ही मत कूचिएगा नहीं तो चटनी जैसा हो जाएगा। और अब मैं इसका जो अचार का मसाला है उसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने तवा पहले से रख दी हूँ गर्म होने के लिए और इस तवा पर मैं सौंफ भूजूंगी पहले। दोस्तों ये सब मसाला भूज के लगाना चाहिए, कच्चा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब मैं सौंफ को निकाल लेती हूँ तो जल जाएगा मेरा सौंफ, हल्का ब्राउन हो गया है। मेथी जल्दी भूजा जाता है, एक साथ भूजिएगा तो क्या होगा ना कि एक जल जाएगा और एक भूजा मतलब कच्चा रह जाएगा, इसलिए कभी अलग अलग भूजिए। इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों मैंने ये सरसों और सौंफ और मेथी को मैंने पीस ली हूँ और ज़्यादा खून में ही नहीं करना है, थोड़ा सा मोटे रहने देना है। मैं इसमें सबको मिलाती हूँ, ऐसे सबको डाल दीजिए एक-एक करके। इसको सफर में भी ले जा सकते हैं और हल्दी भी डाल देती हूँ मैं। अब दाल चावल सब्जी बना है और मन करता है कि थोड़ा सा चटनी रहता है या कुछ रहता है तो मैं एक्स्ट्रा में खाती तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके स्वाद के अनुसार दोस्तों इसमें नमक डाल देते हैं। अब डालते हैं दोस्तों इसको इसमें तेल, सरसों का तेल डालते हैं, कच्चा गरम किया हुआ नहीं। इसको दोस्तों ऐसे करके हम मिला देंगे ना। वैसे तो अभी से ही खा सकते हैं लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखना है सालों साल तो आप धूप में ज़रूर सुखाइए। तो देखिए दोस्तों हमारा जो अचार है ना काफ़ी अच्छे से सूख गया है। आप जितना अच्छा सुखाइएगा उतना दिन ज़्यादा दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने इसको 5 दिन सुखाई हूँ ना। देखिए मेरा काफ़ी इसका अच्छा कलर भी आ गया है, तो इसमें काफ़ी अच्छे से मसाला ऑब्जर्व हो गया है और धूप में अच्छे से पक गया है। तो अब हम देखिए दोस्तों इसको बोतल में स्टोर कर रही हूँ और बोतल में ही मैं तेल डालूँगी स्टोर करके, ताकि जो हमारा तेल है वो बर्बाद नहीं हो। और धीरे धीरे करके हम तेल गिराएंगे ताकि हमारा जो अचार है ना धूप में सूखा हुआ एकदम सूखा सूखा है तो अच्छे से धीरे धीरे डालेंगे ताकि सब में अच्छे से मिल जाए। तो मैंने जितना भी तेल डाले हैं ना सब ये जाके नीचे, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा देर के बाद में ना यहाँ तक तेल आ जाएगा। तो हमको ना बराबर ना ऐसे ऐसे एक दो दिन तक, मतलब कम से कम क्योंकि अभी नया डाले ना, एक दिन तो ऊपर नीचे ऐसे हमको तेल को ऐसे कर देना चाहिए ताकि सब में तेल मिक्स अच्छे से हो जाए।
तो दोस्तों ऐसा आप अचार बनाइए और घर में अपने किचन में रखिए, क्योंकि अभी का जो माहौल है कभी मार्केट खुला रहता है कभी नहीं रहता है, तो हमें ये दाल चावल तो घर में रहता ही है, ये अचार से आप आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और लाइक करिए दोस्तों और सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा बराबर का अचार। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।